हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, अभी तक हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च को भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेथड्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की कौन कौन सी विधियाँ होती है। प्रत्येक अनुसंधान एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। समस्या की प्रकृति के अनुसार ही अनुसंधान की विधि निर्धारित की जाती है। यदि समस्या की प्रकृति ऐतिहासिक है तो उसको ऐतिहासिक अनुसंधान कहेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च कहेंगे। यदि समस्या की प्रकृति वर्णनात्मक है तो उसको वर्णनात्मक अनुसंधान कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। और यदि समस्या की प्रकृति प्रयोगात्मक है तो उसको प्रयोगात्मक अनुसंधान कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहेंगे। समस्या की प्रकृति के आधार पर ही अनुसंधान की विधि निर्भर करती है। अनुसंधान की जो विधियां हैं उनका वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। किसी ने क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण किया है, तो किसी ने इतिहास संबंधी अनुसंधान के रूप में वर्गीकरण किया, तो किसी विद्वान ने आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण किया है। UGC नेट के पेपर फर्स्ट में जो रिसर्च मेथड है वो है प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल रिसर्च को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। जो ऐतिहासिक अनुसंधान है इसमें मुख्य रूप से क्या था के संबंध में वर्णन किया जाता है, अर्थात अतीत की घटनाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है, इसमें पास्ट की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास तथा अनुभवों की समालोचनात्मक जांच है जो सावधानीपूर्वक तथा वैधता के साथ परमाणु को महत्व देती हुई समुचित साक्ष्यों पर आधारित होती। इसके बाद ही अन्य शोधकर्ताओं के समान ही ऐतिहासिक शोधकर्ता भी संकलित करता है, पदार्थों की वैधता हेतु उनकी जांच करता है तथा पदार्थों की विवेचना करता है। मीन्स की ऐतिहासिक जो अनुसंधान है हिस्टोरिकल रिसर्च में अतीत की घटनाओं की जो विकास हुआ है उसकी जांच की जाती है, और ये जो जांच की जाती है ये साक्ष्यों के आधार पर की जाती है। इसमें भी जो रिसर्चर होता है वो डाटा कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करके के बाद उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और जो डाटा कलेक्शन किया है उसी के बेस पर उसको एनालिसिस करके फिर रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है, कंक्लूजन निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है इसके क्या उद्देश्य होते हैं। एम्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें फर्स्ट है इसे अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अतीत के अध्ययन से वर्तमान का अध्ययन किया जा सकता है, और अतीत की कमजोरियों और अच्छाइयों का पता चलता है। हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा अतीत की घटनाओं का सही स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, और अतीत के संबंध में वर्तमान की जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। कि पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा ही पास्ट के बारे में जाना जा सकता है। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इससे हमारे गौरव में इतिहास के बारे में पता चलता है, जिससे कि आत्म गौरव प्राप्त होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा उन घटनाओं की तरफ भी ध्यान आकर्षित होता है जिनके भयंकर और विनाशकारी परिणाम निकले हैं। ये जो रिसर्च है इस संबंध में भी विश्लेषण करती है कि वर्तमान में जो सिद्धांत या क्रियाएं व्यवहार में हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन जो सिद्धांत और क्रियाएं हैं इनका विकास किन परिस्थितियों में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अप्रोचेज टू हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें दो अप्रोच है, उसमें से जो फर्स्ट है वो है प्रस्पेक्टिव अप्रोच या पूर्वदर्शी उपागम। इसे ऐतिहासिक शोध का प्राचीन उपागम भी कहते हैं। इस उपागम में शोधकर्ता अतीत से प्रारंभ करके वर्तमान की ओर अग्रसर होता है। अतीत में क्या घटनाएं हुई उनका वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखा जाता है। और जो सेकंड है वो है रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, पाश्चात्यदर्शी उपागम।
इसमें इतिहास का अध्ययन वर्तमान से प्रारंभ करके अतीत में उनके कारण तलाशते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें फर्स्ट है सेलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड है फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, थर्ड है डाटा कलेक्शन, फोर्थ है क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा एंड फिफ्थ है रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। सबसे पहले प्रॉब्लम सेलेक्ट की जाती है कि किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद हाइपोथेसिस बनाई जाती है। जो भी हाइपोथेसिस बनाई जाती है उससे रिलेटेड डाटा कलेक्शन किया जाता है। डाटा कलेक्शन के लिए प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद जो डाटा कलेक्ट किया है, जो साक्ष्य जुटाए हैं वो सही है या नहीं, ये क्रिटिसाइज किया जाता है और फिर उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, कंक्लूजन निकाला जाता है। ये सभी हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इसकी क्या उपयोगिता है। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इससे पास्ट में जो गलतियां हुई है उनके बारे में पता चलता है, जिससे कि भविष्य में उनके प्रति जागरूक रहा जा सकता है, उन गलतियों को करने से बचा जा सकता है। हिस्टोरिकल रिसर्च जटिल समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायक होती है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित नई प्रवृत्तियों को पहचानने में सुविधा होती है। इससे पता चलता है कि एजुकेशन की फील्ड में पहले क्या ट्रेंड था और अब क्या ट्रेंड है। इसके द्वारा अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है और शिक्षा, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र आदि विषयों के क्षेत्र में सिद्धांत एवं क्रियात्मक पक्ष की आलोचनात्मक व्याख्या की जा सकती है। हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा जो शैक्षिक संस्थाएं हैं और जो समाज है उनका पास्ट में कैसा संबंध था, ये एनालिसिस किया जा सकता है, और वर्तमान में शैक्षिक संस्थाओं और समाज का कैसा संबंध है ये भी देखा जा सकता है। हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा जो शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक और अनुसंधान कार्य में लगे हुए व्यक्ति हैं उनके काम के प्रति पता चलता है, उनके जिससे कि इनके बारे में सम्मान की भावना पैदा होती है। इस वीडियो में हमने हिस्टोरिकल रिसर्च को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।